हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल द टॉपिक हीट पार्ट टू. इन द अर्लियर टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइंड मैप ऑफ हीट. हाफ माइंड मैप वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट इफेक्ट्स ऑफ हीट, राइट? टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड द प्रिकॉशंस यू आर फॉलोड व्हाइल यूजिंग द थर्मोमीटर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेसेस. The transfer of heat, very very important. So we can say heat can be transferred by. So there are three processes, right? One, that how it travels in solids. If I talk about this, here I can say it occurs in solids. तो solids में जो होती है, that is processes, heat can be transferred by the process of conduction. Very important. Conduction. Conduction में क्या बेटा, suppose this is a source of heat. Red color है, ये heat produce हो रही है और ये iron की rod है. I am holding the iron rod like this. और अगर ये फ्लेम है तो मैं फ्लेम के ऊपर ऐसे रखूं, तो व्हाट विल हैपन, विल आई बी एबल टू होल्ड दिस आयरन रोड इन माय हैंड? नो, आई विल रिलीज इट. व्हाई? बिकॉज आई विल फील हॉट एट दैट एंड. नाउ एंड से हमने तो इसको हीट किया, बट हीट कहां पहुंच गई? इस एंड पे. दिखाई दे नहीं रही बट पहुंच गई है, दैट इज कंडक्शन, राइट? अब इसमें ये तो है नहीं कि यहां के आयरन वाले पार्टिकल्स यहां आ गए, आयरन वही है सारा, लेकिन हीट अपने आप ट्रांसफर होगी. सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. वी कैन से ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी, राइट? एंड सेकेंड इज fluids. In fluids, fluids बेटा आप लोगों को नया नाम लग रहा होगा. Fluids होते हैं the substances which have the ability to flow. अब ये marker है, मैंने यहाँ रख दिया, marker यहीं पड़ा रहेगा, right? अगर मैं पानी रखूँ हाथ पे तो वह यहाँ से वहाँ चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा. Gas रखें तो भी open फैल जाएगी वो. तो जो substances अपने आप flow कर सकते हैं, basically ये होते हैं liquids and gases, right? तो लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, राइट? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट? जैसा कि हम किसी बर्तन में लेके, वेसल में लेके, बड़े से कंटेनर में पानी अगर गैस पे रखते हैं गर्म करने के लिए, तो व्हाट विल हैपन? पूरा पानी एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो पूरा पानी गर्म हो जाएगा. व्हाई? अब ये तो है नहीं कि द वाटर विच इज कैप्ट नियर द बॉटम विल बी हॉट, पूरा पानी गर्म होता है. दिस इज कन्वेक्शन. बिकॉज वाटर एट द बॉटम विल बिकम हॉट फर्स्ट. हॉटर थिंग्स आर लाइटर, इट विल राइज अप. और जो ठंडा पानी है वो हैवी होने की वजह से नीचे आएगा. तो दिस प्रोसेस इज keep on going and that process is known as convection, right? Third, ये जो process है बेटा, ये vacuum में भी possible है. This process is possible in vacuum and that is known as radiation, right? तो radiation में क्या होता है कि transfer of heat without affecting the medium. जैसे हम लोहड़ी बनाते हैं, लोहड़ी में हम बैठते हैं आग लगा के आसपास, right? और धीरे धीरे जब आग बढ़ती है वी मूव अवे. व्हाई? बिकॉज वो तो वही है बट उसकी जो रेडिएशन है वो हमारे तक आ रही है अपने आप, राइट? तो वी कैन से कि ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम. ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम. मीडियम को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, बस वो ट्रांसफर हो जाती है. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
दोबारा से डिस्कस करते हैं एक बार. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, वेयर द हीट ट्रांसफर विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मूव नहीं करते. कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, एंड इन रेडिएशन पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन हीट ट्रेवल करती है अपने आप विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम. नाउ कंडक्शन, जो मटीरियल कंडक्शन करते हैं राइट, उन मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक द मटीरियल विच कंडक्ट और विच गो थ्रू कंडक्शन. सो ये जो मटीरियल है बेटा, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आई होप आपने सुना होगा, वन आर विच अलाउ द हीट टू पास, और जो दूसरे होते हैं विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास. दे आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. सो हेयर वी कैन सी, अलाउ द हीट टू पास, दे डू नॉट अलाउ द हीट टू पास, राइट. दे आर कंडक्टर्स एंड दे आर इंसुलेटर. सो कंडक्टर्स आर यूज इन कुकिंग यूटेंसिल्स, थर्मोमीटर्स, इन सब में यूज होते हैं. दे आर यूज इन जितने भी कुकिंग वेसल हैं, दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, थर्मोमीटर्स, राइट एटसेट्रा. दे आर यूज देयर. नाउ इंसुलेटर्स, वेयर दे आर यूज इंसुलेटर्स. इफ यू हैव सीन द कुकिंग यूटेंसिल, द फ्राइंग पैन हैविंग द हैंडल्स मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटीरियल, तो वाई? बिकॉज टू होल्ड देम. तो यूज इन हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, बिकॉज वी नो दैट कुकिंग यूटेंसिल्स, अभी हमने बोला है कि कुकिंग यूटेंसिल्स कंडक्टर्स हैं, सो वो गर्म हो जाएंगे तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके हैंडल इसीलिए प्लास्टिक या मेलामाइन बेकलाइट के बनाए जाते हैं, विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दे विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फॉल सीलिंग करते हैं हम राइट, वो भी फॉल सीलिंग, दैट इज ऑल्सो यूज मेक फॉर द इंसुलेटर्स. अब आ गया कन्वेक्शंस. तो कन्वेक्शंस के लिए भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शंस, वी कैन नो इट प्रोड्यूसेस और कॉजेस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, राइट. सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आपको पता ही है, ओके. एंड इट इज हेल्पफुल और यूज इन चिमनीज. चिमनीज के अंदर जो हम यूज करते हैं वो कंसेप्ट, वो कन्वेक्शन ही है राइट. इसके अलावा वेंटिलेटर्स, हीटर्स, ये सब कन्वेक्शन के प्रोसेस पे ही काम करते हैं. वेंटिलेटर्स ऊपर बनाए जाते हैं वॉल्स के ऊपर राइट, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर होती है, वो बाहर निकल जाती है, जो ठंडी हवा है वो रूम के अंदर है, गर्म हवा है वो वहाँ से बाहर निकलती है, ओके. नाउ कम्स अबाउट द रेडिएशन. अब जो रेडिएशन है उसका क्या कंसेप्ट है? रेडिएशन, इट डिपेंड्स अपॉन, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा. व्हाट आर द टू थिंग्स? वन वी कैन से कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. कलर ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कलर है, उसके ऊपर वो रेडिएशंस, वो हीट कितनी अब्जॉर्ब करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा राइट. तो जो बेस्ट अब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट माना जाता है, दैट इज बेस्ट अब्जॉर्बर एंड एमिटर. अब्जॉर्बर एंड एमिटर मीन्स छोड़ता भी है और अब्जॉर्ब भी करता है, एंड दैट इज ब्लैक, ब्लैक कलर, ओके. जिससे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, दैट इज ब्लैक कलर, ओके. दूसरी तरफ आता है हमारे पास नेचर ऑफ सरफेस, के जो अब सरफेस है
उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। तो नेचर ऑफ सरफेस पे बच्चों कैसे डिपेंड करता है कि एक होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर, एक होता है पुअर रिफ्लेक्टर। हम इसकी दो कैटेगरीज बना लेते हैं, वन इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, अनदर इज पुअर रिफ्लेक्टर, राइट। हियर वी कैन सी बेस्ट रिफ्लेक्टर, हियर विल बी पुअर रिफ्लेक्टर, ओके। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होता है वो है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। और दूसरी तरफ जो पुअर होगा वो क्या होगा, रफ एंड डल सरफेस, रफ एंड डल सरफेस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वी कैन से माइंड मैप ऑफ हीट चैप्टर। सो सेकेंड पार्ट वी हैव डिस्कस टूडे, सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझ लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमने किया था कि हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर कैसे होगी। सो बाय थ्री वेज, सॉलिड में अलग से होती है, फ्लूइड्स में अलग से, और जो वैक्यूम है वो वहाँ अलग से। तो इन सॉलिड्स इट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो मटीरियल इसको फॉलो करते हैं कंडक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटीरियल वी कैन कैटेगराइज दिस मटीरियल इन टू टू टाइप्स, वन इज कंडक्टर्स, वन इज इंसुलेटर्स। कंडक्टर विच अलाउ द हीट टू पास एंड इंसुलेटर्स विच विल नॉट अलाउ द हीट टू पास। यूजेज ऑफ कंडक्टर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, थर्मोमीटर्स एटसेट्रा, इंसुलेटर्स, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉल्स सीलिंग्स। इन फ्लूइड्स द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एप्लीकेशंस क्या हैं, कॉजेज ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, चिमनीज, वेंटिलेटर्स, हीटर्स, ये सारे जो हैं कन्वेक्शन के ऊपर ही वर्क करते हैं। इफ अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो कन्वेक्शन टर्म आपने जरूर यूज करनी है। वैक्यूम के अंदर द हीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, लाइक सन रेज आर कमिंग टू अस, वी आर फीलिंग द हॉटनेस ऑफ द सन सिटिंग हियर माइल्स किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, अनदर इज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली मैंने ब्लैक लिखा, लेकिन जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं। इसीलिए हम समर्स में डार्क कलर क्लोथ अवॉइड करते हैं, लाइट कलर डालते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करेंगे, सन की हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, ओके। एंड वी विल फील वेरी हॉट इफ यू आर वेयरिंग द ब्लैक कलर और एनी डार्क कलर शर्ट इन द समर्स। Then on the nature of surface we can divide into two categories. One is best poor reflector and best reflectors. Best reflectors में होते हैं smooth and shiny surface. Poor reflectors में होते हैं rough and dull surface. So dear children, this is all about the heat chapter. The chapter is very very important. Lots of important terms in this chapter which we have discussed. And this mind map concept map is going to help you out to revise the chapter in 5 to 10 minutes. And you will be giving the best after doing the mind map. Thank you so much for watching the video. Thanks a lot.